सब ताज़ा बनाते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, और आज जो बनाते हैं आज ही बेचते हैं, आज का कल नहीं बिकता है। बस यही सब बातें हैं जिससे बिरयानी लोग पसंद करते हैं और खाने आते हैं। हमारा गुड नेम विजय शंकर वर्मा है, लेकिन लल्ला के नाम से हम फेमस हैं। हमारा जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था, तो वहाँ लल्ला लल्ली की भाषा थी, तो वहाँ से जब लखनऊ आ गए तो लल्ला लल्ली हो गए। और जब बिरयानी हमने 38 साल पहले बनाई बिरयानी, तो लल्ला ने बिरयानी बनाई, लल्ला ने इसी चौपटियाँ इसी मोहल्ले में, और लल्ला बिरयानी और लल्ला ने साउथ थिएटर गए थे फिल्म देखने, तो बिरयानी वहीं बिक रही थी। तो हमें लगा कि ये ठीक ठाक काम है, हम कर सकते हैं। तो वही फिर अपने घर आ गए। हमारे एक मुस्लिम बावर्ची थे अबरार भैया, उनसे हमने कहा तो उन्होंने हमको महीना दो महीना ट्यूशन दी, और फिर हम ही कच्चा पक्का पकाने लगे और पकाते पकाते यहाँ तक आ गए। खान पान बड़े प्यार का विषय है, खान पान बहुत प्यार से खाना भी चाहिए और बहुत प्यार से खिलाना भी चाहिए। एक दोहा है रहीम दास जी का, रहीमन लहिला की भली जो परसय चित लाए और परसत मन मैदा करे सो मैदा जल जाए। बहुत ही अमेजिंग आरोमा आ रहा है यहाँ पर बिरयानी का, ये चेक कीजिए दोस्तों। सो गाइस, ये आ चुके हैं हमारी लल्ला बिरयानी की प्लेट, जिसके लोग दीवाने हैं। और मतलब 4 बजे शुरू होती है और लास्ट 9 बजे तक रहती है, कई बार होता है कि 7-8 बजे ही ख़त्म हो जाए बहुत पहले ही। तो ये हमने लिया है हाफ प्लेट अपनी, एंड आरोमा यार बहुत अच्छा है, पूरी आगे तक आपको ना आरोमा मिलेगा। जैसी अंकल की ये जो ऊपर की प्लेट थी ना पतीले की, वो हटेगी। तो भाई ट्राई करते हैं, 2 पीसेस आते हैं। ये रहते हैं चावल एकदम बढ़िया से, और साथ में हमारे 2 पीस मिले हैं, ट्राई करते हैं। भाई बिरयानी को खाने का मज़ा हाथ से ही है, तो भाई हाथ से ही ट्राई करेंगे। पीसेस बहुत ज़्यादा वेल कुक्ड हैं, चेक कीजिए आप पीसेस, एकदम गर्मा गर्म कुक्ड पीसेस हैं। और ये लेते हैं बाइट अपनी छोटी सी, कुछ भी नहीं डाला, एक अपना ही अलग स्वाद है, अमेजिंग। जो पीसेस है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम गले हुए हैं, साथ में चावलों में एक आरोमा एक फ्लेवर है जो कि बहुत अच्छा है। बहुत सही लगा मुझे इसका टेस्ट, मज़ा आ गया। और प्राइस रहता है 180 रुपीज़ फॉर हाफ। और हम लोग हैं आज लल्ला बिरयानी लखनऊ के अंदर, डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा।